बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आप लोग कैसे हैं? पिछले वीडियो में हम लोग आदर्श विलेन के बारे में पढ़ा। आदर्श विलेन किसे कहते हैं? तो कहा था कि ऐसे विलेन जो सभी संदर्भताओं पर राउट के नियम का पालन करते हैं, उसे हम आदर्श विलेन कहते हैं। उसके हम उदाहरण भी दिए थे। आज हम अनादर्श विलेन के बारे में पढ़ेंगे। अनादर्श विलेन मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशन। करा कि अनादर्श विलेन किसे कहते हैं, तो ठीक उसके उल्टा है। यहां पर लिख सकते हैं कि ऐसे विलेन जो सभी संदर्भताओं पर राउल्ट का नियम का पालन नहीं करता, उसे हम कहते हैं अनादर्श विलयन या नॉन आइडियल सॉल्यूशन। प्रश्न उठता है कि यहाँ पर जो अनादर्श विलयन है राउल्ट के नियमानुसार, यहाँ पर राउल्ट के नियमानुसार क्या है अनादर्श विलयन की विशेषताएं? तो देखो, राउल्ट के नियमानुसार यहां पर जो विलयन का वाष्प दाब है यहां पर राउल्ट के नियमानुसार ये वाष्प दाब पालन नहीं करता है। कारण क्या है? कारण यही है कि या तो विलयन का वाष्प दाब कम से अधिक हो जाएगा, या और कम हो जाएगा मतलब राउल्ट का नियमानुसार यदि देखा गया तो जो अनादर्श विलयन होते हैं तो या तो कम से अधिक वाष्प दाब हो जाएगा, या जो कम होना चाहिए उससे भी कम हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? तो मतलब कि उसके नियम पर वो फॉलो नहीं करता है वाष्प दाब। या कम होगा तो बिल्कुल कम हो जाएगा, यदि अधिक हो जाएगा तो अधिक हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कि यह दो प्रकार के विचलन इसमें प्रदर्शित करते हैं। अनादर्श विलयन में दो प्रकार का विचलन प्रदर्शित करेगा। यदि अधिक हो जाता है, यदि यहां पर लिख सकते हैं यदि अधिक वाष्प दाब हो जाता है तो उसको कहते हैं धनात्मक विचलन। क्या कहेंगे? धनात्मक। यदि कम वाष्प दाब हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ऋणात्मक विचलन कहते हैं। वाष्प दाब यदि आवश्यकता से अधिक हो गया तो वो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा, यदि आवश्यकता से कम हो गया तो वह ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बताएंगे कि धनात्मक कब विचलन प्रदर्शित करेगा, ऋणात्मक विचलन कब प्रदर्शित करेगा। धनात्मक विचलन, धनात्मक विचलन क्या है? देखो, धनात्मक विचलन में
मान लेते हैं कि दो अवयव हैं, ए और बी दो अवयव हैं, ठीक है। तो ए में ए ए प्रकार के मॉलिक्यूल, बी में बी बी प्रकार के मॉलिक्यूल एक अंतराणविक आकर्षण बल के द्वारा बंधे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम दोनों को यदि मिला दें, इन दोनों को मिला दें, तो यहां पर यह विलयन इस प्रकार बन जाता है, ए अवयव और बी अवयव दो है, बात समझ में आ रही है ना। ए अवयव बी अवयव को अगर हम अगर ए अवयव को देखा जाए तो ए में ए ए प्रकार के अनगिनत इस तरह अणु एक दूसरे से अंतराणविक आकर्षण बल के द्वारा, इसी तरह बी अंतराणविक आकर्षण बल के द्वारा बंधे होते हैं। जब ये दोनों अवयव को मिला देते हैं तो मान लेते हैं कि यह विलय विलय हो गया, इसको हम कह सकते हैं विलय, ये भी क्या है विलय के अणु हुए, इसको क्या कह सकते हैं विलायक, ये भी विलायक के अणु हो गए, बात समझ में आ रही है ना। ए ए मान लेते ए विलय है ये विलायक, तो ए ए विलय विलय के अणु, बी विलायक है तो विलायक विलायक के अणु, और जब दोनों को मिला देते हैं तो ए और बी मिलकर के क्या बना लेते हैं, ये विलयन बना लेते हैं, ये क्या बना लेते हैं विलयन। तो यहां पर ये धनात्मक विचलन का मतलब क्या है, धनात्मक विचलन का मतलब ये कि जैसे कि यहां पर देखो ये जो ए और बी है जो अंतराणविक आकर्षण बल है, और इसमें ए ए के बीच और बी बी के बीच जो अंतराणविक आकर्षण बल है, इसमें ये कमजोर है, ये अंतरा यहां पर लिख ले अंतरा आणविक आकर्षण, चाक सही नहीं चल रहा है, आकर्षण बल कमजोर है, ये कमजोर है। इसमें क्या है, इसमें अंतराणविक आकर्षण बल क्या है, इसमें अंतराणविक आकर्षण बल क्या है, यहां पर प्रबल है। तो ए और बी के बीच जो अंतराणविक आकर्षण बल है वह कमजोर होता है और ए ए के बीच प्रबल होता है, इसके कारण यहां पर धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। तो धनात्मक विचलन ये कमजोर है, तो इस विलयन में से इसका वाष्पीकरण अधिक होगा, वाष्प दाब अधिक होगा, ए और बी विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, अधिक होगा। तो इस प्रकार यह धनात्मक विचलन पर, मतलब एक बार और समझ लें, ए और बी विलयन के बीच में अंतराणविक आकर्षण बल ये कमजोर होगा जबकि इसमें प्रबल होगा, तो ऐसी स्थिति में विलयन बनाते हैं तो वाष्प दाब इन विलयनों का अधिक होगा, जिसको हम कहते हैं धनात्मक विचलन। अगर ग्राफ के माध्यम से देखें, यहां पर ग्राफ के माध्यम से देखा जाए, यहां ग्राफ हम बना रहे हैं, ठीक है। अगर धनात्मक विचलन का ग्राफ यदि हम बनाएं, यदि हम धनात्मक विचलन का ग्राफ बनाएं, यहां पर इसको डॉट 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 से प्रदर्शित कर दें, यहां इसको डॉट डॉट से और इसको डॉट डॉट से, तो ये आपका मोल अंश है, मोल अंश है। इधर एक्स वन बराबर, यहां पर यदि हम जीरो मान लें और एक्स टू बराबर वन मान लें, एक्स वन बराबर वन मान लें, एक्स टू बराबर जीरो, अगर आगे वाष्प दाब में हम वृद्धि करते हैं, वाष्प यहां पर दाब इसको डिनोट कर दें, यदि वृद्धि करते हैं तो देखो जो एक्स वन है, एक्स वन का मतलब यहां पर हम विलय मान लें, एक्स वन को विलय मान लें, ठीक है। एक्स वन बराबर जीरो, एक्स टू बराबर विलायक है, मतलब कि प्रारंभ में आगे यदि यदि हम दाब ऊपर ले जाते हैं, इसको हम कह सकते हैं ये, इसको हम P1 करें,
इसको हम P2 मान लें वाष्पदाब, और ये विलयन का वाष्पदाब है, ये विलयन का वाष्पदाब है, ऊपर ये डिनोट कर रहा है। तो यहां पर जो मोल फ्रैक्शन है, जिसे Ka1 बराबर 0 हम माने हैं, तो वाष्पदाब में वृद्धि कर दे रहे हैं, तो यहां पर जो मोल फ्रैक्शन पहला जो कंपोनेंट है इसका मोल अंश 0 है, और जब वाष्पदाब में वृद्धि कर रहे हैं तो जस्ट हम आगे जा रहे हैं इसके मोल अंश में वृद्धि हो रही है, मतलब कि X1 में यहां पर वृद्धि हो रही है और यहां पर ग्राफ के माध्यम से यहां X2 में कमी हो रही है, मतलब इसमें वृद्धि हो रही है तो यहाँ X2 में आगे हम ले जा रहे हैं तो यहाँ पर कमी हो रही है, ठीक है, ये तीर के माध्यम से समझिए। तो इस प्रकार के जिसमें विचलन उत्पन्न होंगे उसी को हम कहते हैं धनात्मक विचलन। अब बात आती है ऋणात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन की। यहाँ पर उदाहरण हमने बताना भूल गए हैं, उदाहरण में देखें, जैसे नंबर 1 उदाहरण धनात्मक विचलन का C2H5OH प्लस एसीटोन CH3COCH3, मतलब एथेनॉल और एसीटोन, इसी को मान लेते हैं यह A है और ये B है, तो इसमें A A हो गया ये, और इसमें B B हो गया, और दोनों को मिला दिए तो ये क्या बन गया A और B, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि देखो एथेनॉल में हाइड्रोजन आबंध है, तो हाइड्रोजन आबंध में ये हाइड्रोजन आबंध जब मिलाते हैं ए और बी, यहाँ पर अंतरणिक आकर्षण बल बनता है, तो हाइड्रोजन आबंध टूट जाता है और एसीटोन इसमें आकर के लग जाता है, जब एसीटोन आकर के लग जाता है तो ये दुर्बल बंध हो जाता है, ये कमजोर हो जाता है, तो जब कमजोर हो जाता है तो ऐसी स्थिति में वाष्पदाब में क्या हो जाती है, जब कमजोर हो जाएगा तो वाष्पदाब में वृद्धि हो जाएगी, आसानी से वाष्पीकरण हो जाएगा। दूसरा उदाहरण, ये अगला नंबर ऋणात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन क्या है भाई, ऋणात्मक विचलन का मतलब कि राउल्ट के नियमानुसार बहुत बहुत कम वाष्पदाब होगा। तो वाष्पदाब में इसमें क्या होता है कि मान लेते हैं कि यदि ए व बी दो हमने अवयव लिया, ठीक है, तो इसमें भी ए ए अंतरणिक बल इसमें भी कार्य करेंगे, इसमें भी काम करेंगे, तो इसको भी मिलाएंगे तो ए और इस तरह विलयन बनेगा। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो अंतरणिक आकर्षण बल इसमें ये प्रबल हो जाता है, इसमें यहां पर हमने बताया था कि यहां पर इस क्या हो जा रहा था, दुर्बल हो जा रहा था, ठीक है, इसमें दुर्बल हो जा रहा था, यहां पे क्या हो गया प्रबल, अब इसमें ए ए अंतरणिक बल यहां पर ये क्या आ जाएगा, ये कमजोर हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में यहां पर इसका वाष्पीकरण ये अधिक होना शुरू हो जाएगा, मतलब विलयन बनाएंगे तो कम हो जाएगा, अगर विलयन नहीं बनाते अलग अलग इसको रखे हैं तो ऐसी स्थिति में वाष्पदाब अधिक हो जाएगा। तो ऐसे में वाष्पदाब अधिक हो जाता है उसको कहते हैं ऋणात्मक विचलन। उदाहरण के रूप में यदि हम लें तो नंबर 1 उदाहरण है, तो नंबर 1 उदाहरण के रूप में क्लोरोफार्म CH3 CL3 प्लस एसीटोन COCH3। यदि दूसरा उदाहरण ले तो दूसरे उदाहरण में कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन, इन दोनों को मिलाते हैं, इन दोनों का विलयन बनाते हैं, तो ऐसी स्थिति में ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। इसमें क्या होता है, अगर इसका ग्राफ देखें तो इसका ग्राफ के माध्यम से यहां पर देखें, यहां पर हम ग्राफ बना रहे हैं छोटा सा, उसी तरह ग्राफ बनेगा। अब यहां पर उल्टा ग्राफ यहां पर बनाए, इस तरह उल्टा ग्राफ बनाएंगे, यहां पर इस तरह बनाएंगे, ये आपका वाष्पदाब है, ये मोल अंश है,
ठीक है, उसी तरह यक्स वन इजिकल टू जीरो है, यहाँ पर यक्स वन इजिकल टू वन है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको मिटाएंगे, इसके बाद मिटा करके ले लिए, 1 मिनट ले लिए, ठीक है। यहाँ पर यक्स टू बराबर वन और यहाँ पर यक्स टू बराबर जीरो हो जाता है। तो इसी तरह यहाँ पर देखो, ये ग्राफ के माध्यम से ये नीचे जा रहा है, यहाँ पर वाष्प दाब, ऐसी स्थिति में यहाँ पर ऊपर वाष्प दाब जाते हैं, अगर यहाँ पर बढ़ाते हैं तो यहाँ ये बढ़ रहा है, तो यही यही कंडीशन है। यक्स वन आगे मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा और पीछे आएंगे तो ये क्या करेगा, ये घटेगा। तो ठीक इसका उल्टा है, इसका उल्टा ये ग्राफ है, इसमें इंक्रीजिंग हो रही है धनात्मक, इसमें क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रही है। देखो देखने पर लग रहा है कि डिक्रीज हो रही है। तो यहीं पर यह वीडियो हम समाप्त करते हैं। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो जरूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो लेकर के हम हाजिर होंगे। धन्यवाद।